हेलो हेलो देयर, टुडेज लेक्चर इज अबाउट द मसल फिजियोलॉजी। इन दिस पार्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मसल फैटिग एंड टेटनेस। इस लेक्चर को अगर आप ध्यान से सुनेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आप जान पाएंगे कि व्हाट इज मसल फैटिग। फैटिग का मतलब होता है थकान। सो मसल हाउ इट गेट्स फैटिग, स्पेशली स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में फैटिक कैसे करके होती है। दूसरा, व्हाट इज टेटनेस एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल विद द ट्रीटिंग दिस डिजीज। तो शुरुआत करते हैं मसल फैटिक से। हम सब जानते हैं कि जो मसल है, मसल इज एन एक्साइटेबल टिश्यू, और जो स्केलेटल मसल्स है वो स्पेशली हमारे मोटर नर्व के साथ जुड़े रहते हैं। तो जैसे हम ब्रेन में सोचते हैं कि हम कोई मसल्स को हिलाएंगे, वो ब्रेन एक सेंसेशन क्रिएट करता है, एक्शन पोटेंशियल, और वो वापस नर्व एंडन तक जाता है, और वहाँ से जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है वहाँ से मसल्स को एक सिग्नल भेजते हैं और मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये हमने स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। तो जो ये मसल है, जब भी उसका कभी एक्साइटेशन होगा तो व्हाट इज हैपनिंग कि वो सिग्नल जनरेट हुआ। सिग्नल ट्रेवल्स फ्रॉम द न्यूरॉन टू द एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल से ये पहुंचता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में, और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में पहुंच के ये एल ट्यूबुल में जाता है एक्शन पोटेंशियल, एल ट्यूबुल से टी ट्यूबुल, टी ट्यूबुल से डीएचपीआर रिसेप्टर, डीएचपीआर रिसेप्टर से रायनोडिन रिसेप्टर, और सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से निकलता है कैल्शियम, और कैल्शियम आके बाइंड करता है किसके साथ, ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन ट्विस्ट होता है और एक्टिन का जो बाइंडिंग हेड है, साइट है, वो ओपन हो जाता है, और एक्टिन और मायोसिन का बाइंडिंग होता है। सो वी कैन से जब भी कोई एक्साइटेशन होगा, इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन, एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन इज ऑलवेज ब्रॉट अबाउट बाई दी बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन हेड्स। तो एक्टिन और मायोसिन जब बाइंड करते तो वो बहुत पावर स्ट्रोक बना लेते हैं, लेकिन उसको हटाने के लिए, उसको एक्शन जो एक्टिन मायोसिन की बाइंडिंग है वो बाइंडिंग को रिमूव करने के लिए एक एटीपी चाहिए होता है। दैट इज वाई जो मसल्स को रिलैक्स करना है तो वी ऑलवेज रिक्वायर टू डिटैच दिस एक्टिन एंड मायोसिन हेड, और टू डिटैच इट इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और आपको मैंने मसल कॉन्ट्रैक्शन में बताया कि मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है, इनिशियल 10 सेकेंड में जो एटीपी का सप्लाई है वो कौन करता है, यस क्रिएटिनिन फॉस्फेट, और 3 10 सेकेंड से लेकर 3 मिनट तक कौन करता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और 3 मिनट से अबव होगा तो वो एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज एटीपी सप्लाई करता है। तो जो मसल का फैटीग होता है उसको हम कैसे करके डिफाइन कर सकते हैं। सो फैटीग कैन बी डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू मेंटेन द मसल टेंशन एट ए गिवन लेवल डिस्पाइट सस्टेन्ड स्टिमुलेशन, यानी कि जितना हम एक्साइटेशन दे उसको देने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, उसको हम मसल की फैटीग कहते हैं। और सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंटली दिस फैटीग वाज ऑब्जर्व इन 1807 बाय बार्जेलियस। तो बार्जेलियस ने क्या देखा कि जो मसल्स हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटली मसल्स लिया फ्रॉग के। सो फ्रॉग के उसको बड़ा स्टिमुलेट किया और देखा कि बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करने के बाद मसल में और कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी नहीं रहती। तो देखा कि व्हाट केमिकल चेंजेस डू अकर, तो उन्होंने उसके केमिकल एनालिसिस करी और पाया कि जब मसल का फैटीग होता है यानी कि थक जाती है, तो उसमें लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। लैक्टिक एसिड इज गेटिंग डिपोजिटेड एंड दिस फैटीग इज रिवर्सिबल, यानी कि जो फैटीग हो जाते हैं अगर हम थोड़ी देर उसको मसल्स को रेस्ट दें, सो इट कैन बी रिवर्स, वापस अपने नॉर्मल कंडीशंस में आ सकती है। और वाई दिस फैटीग डू अकर, साइंटिस्ट को ये सोचने जैसा आया, तो लोगों ने पोस्टुलेट किया कि फैटीग इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू मेंटेन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, क्योंकि एनर्जी सप्लाई अगर नहीं होती तो एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा। सो अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन करता ही जाएगा तो एटीपी कहाँ से आएंगे। दूसरा, इट ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन ऑर्डर टू स्टॉप द रिगर। रिगर, हमने रिगर मॉर्टिस पढ़ा, मॉर्टिस तो डेथ की बात है, लेकिन रिगर का मतलब होता है स्टिफनेस। सो और मौत के बाद, डेथ के बाद जो स्टिफनेस आती है दैट इज कॉल्ड एज रिगर मॉर्टिस, मॉर्टिस का मतलब होता है डेड। सो
रिगर स्टिफनेस आ जाती है, तो मसल में स्टिफनेस बचाने के लिए फटीग होती है, सो दैट इट कैन रिलैक्स। नाउ हाउ दिस फटीग टू हैपन, सो फॉर दिस आई वुड लाइक टू गिव अस अ ब्रीफ बैकग्राउंड कि जब हम एक स्टिमुलेशन देते हैं दैट लीड्स टू वन कॉन्ट्रैक्शन, सो एक्साइटेशन टू कॉन्ट्रैक्शन, एंड जो कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड इज साइंटिफिकली ट्विच, मसल ट्विच, और जो स्टिमुलेशन देते हैं स्टिमुलेशन को साइंटिफिकली बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। सो एक्शन पोटेंशियल लास्ट फॉर अबाउट 1 to 2 मिलीसेकेंड, और जो ट्विच है वो एक्शन पोटेंशियल आने के थोड़ी देर बाद शुरू होती है और वो लास्ट करती है 80 to 100 मिलीसेकेंड, एक एक सेकेंड के से भी कम टाइम के लिए, 1000 मिलीसेकेंड में 1 सेकेंड होती है। सो जो इस पीरियड को जहाँ पे कि एक्शन पोटेंशियल आया 1 to 2 मिलीसेकेंड में और एक्शन जो ट्विच आया उसमें थोड़ा एक डिले है, दिस डिले इज नोन एज लेटेंट पीरियड। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टू कॉन्सेप्ट इन ए डायग्राम। सो पहले मैं आपको एक्शन पोटेंशियल वाला डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे जो बैकग्राउंड है ये टाइम दिखा, जो एक्स एक्सिस है दिस एक्स एक्सिस इज शोइंग द टाइम इन मिलीसेकंड। सो आप देख सकते हैं ये 0 मिलीसेकंड है, ये 50 है, और ये 100 है। जो वाई एक्सिस है इट इज शोइंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहाँ का, मसल का। सो जब कोई भी सिग्नल नहीं है, स्टिमुलेशन नहीं है, उस टाइम पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है मसल्स में वो -90 मिलीवोल्ट है। सो -90 मिलीवोल्ट में मसल्स बना हुआ है, और जैसे ही उसमें स्टिमुलेशन दिया, सो स्टिमुलेशन कैन बी केमिकल, फिजिकल और लाइट, इससे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल मूव्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। तो ये 0 है, 0 के बाद ये +30, तो जैसे ये -90 से 30 तक जाता है, वो कैसे जाता है, एंट्री ऑफ सोडियम आयन, क्योंकि सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जैसे ही बाहर से सोडियम आयन अंदर की तरफ आता है सो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव आने की तरफ एक आता है यहाँ बीच में थ्रेशोल्ड -55 मिलीवोल्ट पे, उसके बाद ज़्यादा सोडियम आयन के चैनल ओपन हो जाते हैं और तेजी से -30 से +30 तक पहुँचते हैं, और जैसे ही +30 तक पहुँचते हैं ये वापस फिर दोबारा कोई स्टिमुलेशन नहीं है तो नॉर्मल की तरफ आते हैं और नॉर्मल में मेंटेन रहता है। सो दिस इज कॉल्ड इज एक्शन पोटेंशियल और स्टिमुलेशन। सो जब भी क्या किया, स्टिमुलेशन दिया उससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने में कितना टाइम लगा, 1 to 2 सेकेंड, 2 मिलीसेकेंड सॉरी। अब आता है ये स्टिमुलेशन तो हो गया, अब कॉन्ट्रैक्शन होता है, सो कॉन्ट्रैक्शन के लिए ग्राफ है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सो यहाँ पे हमने स्टिमुलेशन दिया और फिर कॉन्ट्रैक्शन होना चालू हुआ, सो यही वही एक्स एक्सिस है जिसमें कि टाइम है 100 मिलीसेकंड का और इसमें टेंशन है। सो जब स्टिमुलेशन दिया उसके थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ, और फिर जब स्टिमुलेशन नहीं है तो वापस कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल आ गया, दिस इज कॉल्ड इज मसल ट्विच। सो इसको एक इंटीग्रेटेड डायग्राम में देखते हैं कि जब हम स्टिमुलेशन देते हैं और ट्विच आता है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन आता है, सो दिस इज वॉट। सो इनिशियली आप देख सकते हैं जैसे ही हमने मसल को स्टिमुलेट किया टुक 1 to 2 मिलीसेकेंड, सो ये भी ये जो कलर कोडिंग है, इस कलर कोडिंग इज शोइंग दिस पीरियड। सो अगर हम मसल के एंड पे देखेंगे तो इमिडिएटली जब नर्व पे स्टिमुलेशन आया यानी कि एक्शन पोटेंशियल आया तब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होना चालू नहीं हुआ, दैट पीरियड इज नोन एज लेटेंट पीरियड यानी कि गैप पीरियड, यानी कि मसल को स्टिमुलेशन देने के बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम का गैप चाहिए, दैट गैप ऑफ टाइम इज नोन एज लेटेंट पीरियड, और लेटेंट पीरियड के बाद ट्विच आता है। सो ट्विच का सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम पहुंच जाता है तो रिलैक्सेशन आ जाता है, सो दिस इज कॉल्ड इज वन स्टिमुलेशन वन ट्विच। इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है, जब हम स्टिमुलेशन दे रहे तो मसल के एंड पे कैसे हो रहा है, ये डिले क्यों हो रहा है, जो लेटेंट पीरियड है व्हाई दिस लेटेंट पीरियड। सो मैं वापस आपको लेके जाना चाहूंगा जो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बताया था, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, वही ये नर्व एंडिंग है, यहाँ पे स्टिमुलेशन आया एंड इट क्रिएटेड द एक्शन पोटेंशियल। सो एक्शन पोटेंशियल को यहाँ नर्व न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से ट्रैवल करके एल ट्यूबुल से ट्रैवल करके टी ट्यूबुल से
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाने में एक टाइम लगता है, और जैसे टाइम यहाँ जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, यहाँ पे कैल्शियम की रिलीज होगी थ्रू द राइनोडिन रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल सेल। सो ये कैल्शियम रिलीज करेंगे, कैल्शियम रिलीज से कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से, बाकी स्टोरी आप सबको पता है। ट्रोपोनिन बाइंड होने के बाद तुरंत इसमें ट्विस्ट आएगा ट्रोपोमाइसिन में, और एक्टिन का जो मायोसिन बाइंडिंग हेड है वो ओपन हो जाएगा, और मायोसिन और एक्टिन का बॉन्डेज हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ये बॉन्डेज हो गया, फिर इसका पावर स्ट्रोक होता है। अब आता है इसके बाद एटीपी, एटीपी आके इसको रिमूव कर लेते हैं। तो अभी जो लेटेंट पीरियड आप पढ़ रहे हैं वो यहाँ से जब स्टिमुलेशन आया एक्शन पोटेंशियल, यहाँ से ट्रेवल करके कैल्शियम रिलीज और बाइंडिंग और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होने में जितना स्टेप्स है इसमें थोड़ा सा एक टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड इज लेटेंट पीरियड। सो ये जो लेटेंट पीरियड है, इसके बाद आता है रिलैक्सेशन फेज। तो ये कॉन्ट्रैक्शन फेज हो गया, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब जब एटीपी बाइंड हो गया तो ये रिलैक्सेशन मोड में चला गया, सो दैट इज कॉल्ड इज रिलैक्सेशन। सो इसमें क्या होता है, एटीपी आके इसमें बाइंड होता है, एक्टिन और मायोसिन हेड रिलीज हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, कैल्शियम अपना वापस अपने स्टोर में चला जाता है। दिस इज व्हाट इज द टाइम डिले होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द चेंजेस दैट हैपेंस ड्यूरिंग द मसल फैटिग। जब मसल में फैटिग होता है, फैटिग क्यों, थकान। सो क्या क्या होता है, एक होता है चेंजेस इन द एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में हमने देखा कि वो -90 मिलीवोल्ट से ऊपर चला जाता है +30 मिलीवोल्ट तक, तो एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट होता है। लेकिन ये तब होता है जब सोडियम की अवेलेबिलिटी होती है। अगर सोडियम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो सोडियम बाहर से अंदर नहीं पहुंचेगा, और अंदर नहीं आएगा तो माइनस के जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा। सो जब फैटीग होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ सोडियम रिड्यूसेस, दैट्स व्हाई एक्शन पोटेंशियल इज नॉट बीइंग जनरेटेड प्रॉपरली, पहला स्टेप। दूसरा, जो इंट्रासेलुलर आयन है, इंट्रासेलुलर जो मसल्स में जो आयन इंट्रासेलुलर होता है वो होता है आपका पोटेशियम। तो जब भी कॉन्ट्रेक्शन होता है, डिपोलराइजेशन, पोटेशियम गोज आउट, और वो पोटेशियम बाहर जाके फिर वापस आता है। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर जो आयन्स होते हैं जैसे कि सोडियम, तो सोडियम बाहर से अंदर आता है। बार बार ऐसे करने से बाहर में जो एक्स्ट्रा सेलुलर अवेलेबिलिटी है सोडियम की वो भी रिड्यूस हो जाती है ड्यूरिंग दी मसल फैटिक। तो जब जब पोटेशियम का डिप्लीशन होगा इंट्रा सेलुलरली या एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम का डिप्लीशन यानी कि कमी होगी बाहर, सो उसकी फैटिक होना चालू होगा। तीसरा होता है आपका इंट्रासेलुलर, नेक्स्ट होता है इंट्रासेलुलर मेटाबोलाइट्स। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो मसल की सप्लाई है उसमें इनिशियली जो एटीपी सप्लाई करती है क्रिएटिनिन फॉस्फेट, दूसरा जो करती है एनारोबिक सप्लाई दैट इज ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एनारोबिकली होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है यानी कि लैक्टेट। सो लैक्टेट बिकम एक्यूमुलेटेड इन टू द मसल फाइबर एंड दिस लैक्टेट एक्टिंग ऑन मल्टीपल साइट्स। व्हाट आर दो साइट्स, एक तो ये कैल्शियम के जो पंप है सरका, आपको याद होगा सरका पे जाके बाइंड होता है तो कैल्शियम का री अपटेक होना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, ये मेटाबोलाइट्स सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल्स को भी हैम्पर करते हैं। दूसरा, जो आयन्स होते हैं हाइड्रोजन आयन बन रहे होते हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उनको रोकता है। तीसरा, जो ये लैक्टेट है इट स्टॉप्स द एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन एटीपी इनटू एडीपी एंड पीआई, जो मायोसिन में एडीपी और पीआई का बाइंडिंग साइट होता है तो एटीपी सप्लाई करता है वो एडीपी एंड पीआई। सो जो एंजाइम है वो एंजाइम का भी प्रोडक्शन कम हो जाता है एज द रिजल्ट ऑफ द इंट्रासेलुलर इन्हांसमेंट ऑफ द मेटाबोलाइट सच एज लैक्टिक एसिड। अब आता है जो मसल फैटिग है कितने टाइप की होती है। मसल फैटिग को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड लोकेशन। सो लोकेशंस बेसिस पे फैटिग आर टू टाइप, पेरिफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जिसको हमने सेंट्रल फैटिग कहते हैं, और दूसरा होता है पेरिफेरल दैट हैपेंस एट द मोटर यूनिट और द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम तीन टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन होगा वो थोड़े टाइम के लिए होगा, जैसे आप दौड़ते हैं सो 400 मीटर्स तक आप स्प्रिंट रनिंग करेंगे
उसके बाद आप थक जाते हैं, सो आपके मसल्स फैटीग होने लगते हैं। तो जो 400 मीटर दौड़ के जाने का जो मिनिमम टाइम है, दैट इज ए टाइम, और हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे। दूसरा होता है आपका शॉर्ट टेटनी। शॉर्ट टेटनी में आप देखते हैं जैसे आपके ठंड में दांत कटकटाने लग जाते हैं, सो ये बहुत जल्दी दांत कटकटाने लगते हैं, तो मसल थक जाते हैं, थोड़ी देर बाद कंपन होती है, उसके बाद कंपन होना बंद हो जाता है। तीसरा होता है डिलेड फैटिक। डिलेड फैटिक ये थोड़ा लंबा होता है, दूसरे या तीसरे दिन आपको जाके पता लगता है, ये जो लॉन्ग रनर्स होते हैं उनको पता लगता है कि कितनी थकान लगती है। सो जैसे मैंने आपको कहा कि फैटिक के दो टाइप है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, तो जो सेंट्रल वाला है दैट इज साइकोलॉजिकल, जैसे कि आपको कोई चीज उठाने का मन नहीं कर रहा है, जैसे आपको एक्सरसाइज करते हुए डंबल उठाने का और मन नहीं करता है, अगर आप में उस मसल थके नहीं है लेकिन मेंटली साइकोलॉजिकली यू आर फैटिक। दूसरा होता है आपका पेरिफेरल, जिसमें आपका मोटर यूनिट इज नॉट एबल टू वर्क। सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द मैकेनिज्म प्रपोज्ड दैट फैटिग हैपन एट द सेंट्रल लेवल एट द मोटर यूनिट लेवल। सो ये एक ग्राफ है, दिस ग्राफ इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि फैटिग के टाइप कौन कौन से हैं। तो पहले आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फैटिग में कौन कौन से हैं, यस सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सो सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स आवर सेंट्रल ब्रेन। और जो पेरिफेरल फैटिग है इसको हम चार डिफरेंट फैक्टर्स में बांट सकते हैं। पहला है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, दैट मीन्स जहाँ नर्व एंडिंग और नर्व मसल फाइबर का जंक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। दूसरा है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, तीसरा है कैल्शियम सिग्नल पे, और चौथा है कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्सेशन। लेट्स सी व्हाट इज द मैकेनिज्म बीइंग प्रपोज्ड एट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो जो प्रपोज मैकेनिज्म है ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है, एंड देर आर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, जैसे आप सांस लेते हैं तो आपके जो रेस्पायरेटरी मसल्स हैं उस मसल्स को एक नर्व स्टिमुलेट करते हैं, वो नर्व का नाम है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व क्या करते हैं, वो ब्रेन से हमारे जो चेस्ट के मसल्स हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन वहीं पे एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी कि आप जब बहुत ज़्यादा मसल्स का एक्शन करेंगे तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत का मतलब आपका रेस्पायरेटरी रेट बढ़ेगा, रेस्पायरेटरी रेट बढ़ने का मतलब है आपके चेस्ट को बार बार ऊपर नीचे यानी कि रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करना है चेस्ट कैविटी को। तो चेस्ट कैविटी में ही एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस होता है जो कि ब्रेन को सप्लाई होती है, इसका मतलब आप चेस्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहे हो तो ब्रेन उसको रिलैक्सेशन के लिए कहता है, सो दैट इज ए रिफ्लेक्स। इसीलिए फैटिग इज कंसिडर्ड एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। दूसरा है, अब आते पेरिफेरल में। सो पेरिफेरल में पहला है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, इसमें क्या होता है, जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे न्यूरो ट्रांसमीटर है कौन सा, एसिटाइल कोलाइन। सो एसिटाइल कोलाइन का क्वांटिटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्योंकि वहां पे जो एसिटाइल कोलाइन है वो रीयूज होते हैं। आपको मैंने कॉन्ट्रैक्शन में बताया था कि एसिटाइल कोलाइन जब बाइंड होता है तो उसको ब्रेक डाउन करके एसिटाइल एंड एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, सो वो कोलाइन को वापस ले जाके फिर एसिटाइल उसमें जोड़ देते हैं, तो एसिटाइल कोलाइन मॉलिक्यूल फिर से बन जाता है। लेकिन ये सब करने में एक प्रोसेस में टाइम चाहिए होता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो रहा है, फैटीग हो रहा है, तो ये टाइम का ही इम्पैक्ट है। दूसरा रिसेप्टर एक्टिवेशन, ये जो डाउन एरो है ये डिक्रीज का साइन है, सो डिक्रीज इन द रिसेप्टर एक्टिवेशन। रिसेप्टर कौन सा है, जो हमारा लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल है जो कि एसिटाइल कोलाइन है, तो एसिटाइल कोलाइन का नंबर कम है, रिसेप्टर भी थक जाते हैं। दूसरा आता है आपका एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में चेंज इन द मसल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटर सेलुलर आयन्स की कमी की वजह से जो डिजायर्ड एक्शन पोटेंशियल का लेवल है -90 mV से +30 तक जाने का, वो पूरा नहीं पहुंचता है। तीसरा जो कंडीशन है वो है डिक्रीज इन द कैल्शियम सिग्नल, कैसे, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे कैल्शियम लीक हो जाता है, और लेस कैल्शियम इज बिंग रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल, एंड ऑल्सो जो इंट्रैक्शन है ट्रोपोनिन और कैल्शियम का उसका भी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द लेस नंबर ऑफ कैल्शियम। ये तो हो गया कैल्शियम से। तीसरा होता है रिलैक्सेशन पे, सो रिप्लीशन जो डिप्लीशन थ्योरीज है वो कहते हैं कि जो क्रिएटिनिन है
दैट ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द मसल का ब्रेकडाउन में। दूसरा एटीपी का प्रोडक्शन एंड ग्लाइकोजन का स्टोरेज ना होना। जो नेक्स्ट थ्योरीज है वो है आपका हाइड्रोजन आयन बनना। जब बहुत ज़्यादा एटीपीज बन रहे होते हैं तो उस प्रोसेस में जो रेस्पिरेशन जब होता है, एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ दी ग्लूकोज, तो बहुत ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन आयन भी बनते हैं। सो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, पीएच को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि हाईली एसिडिक बना देते हैं, और एसिडिक कंडीशंस में एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं। और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और लैक्टिक एसिड है, ये भी रिलैक्सेशन में रिड्यूस करते हैं। क्यों? जो एंजाइम्स है जो एटीपी को एडीपी और पीआई में कन्वर्ट करते हैं, उसका फंक्शंस भी कंप्रोमाइज्ड हो जाता है। सो इस बातों को वी कैन समराइज इन अ टेक्स्ट। सो पहले क्या, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ दी फैटिग इज नॉट नोन, बट जो थ्योरीज है वो क्या है, लोकल इंक्रीज ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड स्टॉप्स ऑफ एडीपी, जो कि कैल्शियम को रिलीज होने से बचाते हैं, और कैल्शियम का री अपटेक बाय द सारकोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्म इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। दूसरा, राइज इन क्रिएटिनिन दैट ऑल्सो स्टॉप्स द एंजाइम प्रोडक्शन। तीसरा है आपका एक्सपल्शन ऑफ पोटेशियम बाय द सोडियम पोटेशियम पंप एट द मस्कुलर लेवल, तो उससे क्या होगा, उसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिड्यूस हो जाती है। इस तरह से मसल का फैटीग होता है। सो आपने भी मसल के फैटीग को एक्सपीरियंस किया होगा, जब लंबा दूरी आप चढ़ते हैं, चलते हैं या खेलते हैं, तो आपको रेस्ट चाहिए होता है। सो दिस इज व्हाट दिस मसल फैटीग। लेट्स टॉक अबाउट दी टेटनस। टेटनस इज द डिफरेंट फेनोमेनन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें मसल लगातार कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशंस में रहते हैं। और वाई दिस इज हैपनिंग दिस टेटनस, बिकॉज द रिपीटेड स्टिमुलेशन एट द नर्व एंडिंग एंड द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल रिपीटेडली। एंड वॉट इज द रीजन फॉर दिस रिपीटेड स्टिमुलेशन? वन इज द स्टिमुलेशन एट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक बैक्टीरिया का टॉक्सिन्स है, बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, वो जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट करते हैं एट द सोडियम चैनल, और एट दी मसल लेवल वो कैल्शियम के चैनल्स को ओपन करके रखते हैं। तो ये दो रीजन है। और कारण क्या है इसका, जो क्लोस्ट्रिडियम टेटनी है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज कर रहे होते हैं। लेट्स सी थ्रू ए पिक्चरिस्टिक डायग्राम। ये आप देख सकते हैं कि वन पर्सन इज गेटिंग हर्ट बिकॉज ऑफ दी रस्टेड नेल्स। जो जंग लगी हुई लोहे की चीज़ें होती है, अगर उससे हमारा कभी ब्लड के साथ कांटेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द एब्रेशन और द स्क्रैचेस, सो ये बैक्टीरिया जो जंग में कील्स में रहती है, वो कील से हमारे बॉडी में एंटर करती है, वो रेप्लिकेशन करके उनका नंबर बढ़ाते हैं और एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जो जाके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हमारे जो एरियाज है उनको इम्पैक्ट करते हैं। तो ये एक फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं मुंह का जो एरिया है सारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, या बॉडी को देखेंगे तो एकदम बॉडी सख्त हो जाती है, कड़क। और इसको समझने के लिए वाई दिस इज हैपनिंग, आई वुड लाइक टू गिव ओ डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड द टेटनस। सो ट्विच मैंने आपको बताया, ये एक ग्राफ है जिसके नीचे ये टाइम है और ऊपर ये रिलेटिव टेंशन है, ये मेम्ब्रेन का एक्शन पोटेंशियल दिखा रहे हैं। सो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे ही चेंज होता है, एक पहला ये एक स्टिमुलेशन है एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, एंड दैट कॉजेज ए ट्विच। ट्विच का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। सो जैसे ही ट्विच आया उसमें क्या होता है, डिले होता है नॉर्मल कंडीशन। सो दिस इज कॉल्ड इज नॉर्मल वाला समझते पहले। सो जैसे स्टिमुलेशन आया, थोड़ा सा डिले आया, यानी कि लेटेंट पीरियड के बाद ट्विच आया, थोड़ी देर बाद अगर हम दूसरा एक स्टिमुलेशन देते हैं तब तक ये रिलैक्स हो गया, दूसरा आया, ये नॉर्मल है, यहाँ पे कोई समेशन नहीं है। मतलब कि दो जो स्टिमुलेशन है उसके बीच में अगर गैप रखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन अब एक साथ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम ये स्टिमुलेशन के गैप को क्लोज कर पास पास कर देते हैं, सो व्हाट हैपेंस कि ये ट्विच
का समेशन होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते, जैसे एक एक स्टिमुलेशन दिया, एक दूसरा स्टिमुलेशन दिया, तो जब तक ये नीचे आता, वो नीचे आने से पहले ही यहाँ पे एक स्टिमुलेशन दे दिया। आप यहाँ इजीली देख सकते, जैसे नीचे आना शुरू हुआ वैसे एक स्टिमुलेशन दे दिया, तो क्या हुआ, ये ट्विच का समेशन हो गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में हो गया। नाउ इन द टेटनस कंडीशन, ये जो स्टिमुलेशन है ये रिपीटेडली होता है बिकॉज ऑफ दोस टॉक्सिन मटेरियल विच आर बाइंडिंग एट द सोडियम चैनल्स इन द नर्वस सिस्टम एंड कैल्शियम चैनल्स इन द मसल सिस्टम। तो इसको कैसे करके देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये रिपीटेड स्टिमुलेशन है बिकॉज ऑफ द टेटनस। सो जैसे ये स्टिमुलेशन आया, थोड़ा सा दूसरा स्टिमुलेशन आया और, तो ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ज़्यादा ट्विच जा रहा है। ये जो ट्विच जा रहा है ये एक स्टेप में जा रहा है, इसको स्ट्रेप्स कहते हैं, जो स्ट्रैप स्ट्रैप के थ्रू एक एक करके ऊपर पहुंच गया। और एक कंडीशन आएगा जब कंटिन्यूअसली यहाँ पे स्टिमुलेशन भी नीचे से बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन भी बना है, दिस कंडीशन इज नोन एज टेटनस। लेट सी व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर द टेटनस। सो टेटनस के लिए कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि जब जब जो लक्षण है वैसे वैसे। और जो टेटनस अगर किसी को हो गया, दिस टेटनस कैन सिम्टम कैन लास्ट अप टू 4 वीक्स। सो इलाज क्या है, इलाज है प्रिवेंशन। जैसे ही आपका कभी कोई जंग लगी हुई लोहे की चीज़ों से कट होती है, इमीडिएटली आप टिटनेस का एक इंजेक्शन ले लें। और टिटनेस का इंजेक्शन लेने के बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उनको क्या करेंगे, तो डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर के पास जाते ही सबसे पहले अगर टिटनेस आ रहा है तो सबसे पहले उसको टिटनेस का वैक्सीन देते हैं। सो दैट टिटनेस का वैक्सीन जब तक काम करना चालू करेगा उस टाइम तक ह्यूमन को एक सपोर्टिक ट्रीटमेंट देते हैं। वो सपोर्टिक ट्रीटमेंट क्या है, सपोर्टिक ट्रीटमेंट्स है, पहले एंटीटॉक्सिन्स देंगे, दैट मीन्स और विल गिव सम ऑफ द एंटीटॉक्सिन जो जाके जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो बैक्टीरिया है वो टॉक्सिन बना रहा है उसमें जाके बाइंड होके उसको न्यूट्रलाइज कर दे, सो दैट वो टॉक्सिन्स आर नॉट बाइंडिंग डायरेक्टली टू द चैनल्स, सोडियम चैनल्स या कैल्शियम चैनल्स को, जिससे कि स्टिमुलेशन होने के चांसेस थोड़ा रिड्यूस हो जाए। साथ ही साथ उसको जो नर्व है, नर्व ज़्यादा स्टिमुलेट ना हो तो उसको थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, उसको कहते हैं सेडेटिव्स और नर्व रिलैक्सेंट। ये एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिसको कलेक्टिवली बोलते हैं बेंजो डायजेपाइंस। बेंजो डायजेपाइंस आर ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन विच एक्टिंग एज ए सेडेटिव, यानी कि मसल्स नर्व को कम स्टिमुलेशन के लिए लो, उसका जो एक्शन पोटेंशियल है उसको थोड़ा और नेगेटिव कर देते हैं। लेकिन दीज आर डेंजरस थिंग्स बिकॉज जो सेडेटिव्स है वो एज के अकॉर्डिंग और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं, थोड़ा भी कम ज्यादा हो गया तो ह्यूमन कैन गो इनटू कॉमा और ही कैन डाई। दूसरा ग्रुप ऑफ मेडिसिन होता है वो जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में ऑलरेडी पहुंच गया क्लोस्ट्रिडियम, उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंड दीज एंटीबायोटिक्स कैन बी ऑफ 3 डिफरेंट ग्रुप्स। पहला जो ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है दैट इज नोन एज मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल क्लोस्ट्रिडियम टिटनी को रिड्यूस करता है। दूसरा ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है उसका नाम है टेट्रासाइक्लिन, और तीसरा है सेफेलोस्पोरिन। ये 3 ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं अलग अलग मात्राओं में। और इसके बाद हम, क्योंकि मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट होने से उसमें भी फैटीग हो जाता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए और उसको हाइपर डीपोलराइजेशन कर देते हैं बाय द इंजेक्शन ऑफ द पोटेशियम सल्फेट। सो पोटेशियम सल्फेट दिया तो मसल भी रिलैक्सेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड एज मसल रिलैक्सेंट। सो विद दिस 2 डिजीजेस, जो डिजीज है हमारे टेटनेस और मसल फैटिक, विद दिस दिस लेक्चर ऑफ मसल फिजियोलॉजी इज ओवर। थैंक यू सो मच, कीप लिसनिंग प्रॉपरली, थैंक यू।